हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि दोस्त आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं कैनेडुला। और आज तारीख है जो वो 20 नवंबर है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों वैरायटी रखी हुई है और दोनों वैरायटी को हम आज ट्रांसप्लांट करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है डिस्पोजल ग्लास और इसमें हमने कर रखा है ड्रेनेज, काफ़ी अच्छा ड्रेनेज होल हमने कर रखा है, आपको इसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमने लिया है मिट्टी और मिट्टी में हमने मिलाया है वर्मी कंपोस्ट, सॉरी हमने यहाँ पे मिलाया है सिटी कंपोस्ट, और 70% हमने मिट्टी लिया हुआ है और इसी में हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे। गाइस, पौधों को ट्रांसप्लांट करते समय आपको दो बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो पहला है वो है मौसम, मौसम कैसा है आपके एरिया का और आने वाले 2-3 दिनों का। उसके बाद पौधे की जो उम्र है यानी कि इसकी जो एज है वो कितनी है, कम से कम तो 25 होनी चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं इसमें जो रूट्स है बिल्कुल अच्छे तरह से डेवलप हो चुके हैं तभी, और ज़्यादा दिन भी ना हो जाए इसका भी आपको ख्याल रखना है। जैसा कि ये पौधा लगभग करीबन 20 से 25 दिनों का हो चुका है, आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें हमने इसे सीड से ग्रो किया था। तो आप इसे बड़े ही ईजी तरीके से इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद हम मिट्टी डालेंगे, तो यहाँ पे हमने इसे मिट्टी में भर लिया है और काफ़ी अच्छे से इसे दबा लिया है, और उसी मिट्टी को हमने डाला था जैसा कि हमने आपको बताया था पहले। यहाँ पे हम दूसरा पौधा कुछ इसी प्रकार से निकालेंगे, ये देख सकते हैं, और बड़े आसानी से नीचे से पुश करने के बाद ये निकल जाता है और इसके रूट्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं। अब कुछ इस प्रकार से आपको इसे ऐसे ही आधे कप में आपको इसे रखना है और बड़े ही ईजी तरीके से आपको इसे भी फील करना है। मैं आपको तीसरा दिखा देता हूँ कि ये तीसरा कैसे ट्रांसप्लांटेशन करना है आपको, और ये देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से ये निकल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके ट्रूली बहुत ही अच्छे से आ चुके हैं इसके, और काफ़ी हेल्दी भी हैं। कुछ बातों का और आपको ध्यान रखना है कि आप जो सॉइल मीडिया ले रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूखी होनी चाहिए। वैसे तो मैं इसे धूप में ही छोड़ देता हूँ रेगुलर, और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इसे सूखा रखा है ताकि कोई फंगस ना लगे। पौधे जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये बड़े आसानी से निकल भी जाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं मैं पीछे से इसे अगर हल्के सा पुश करूँगा तो ये देखिए, जो मैच्योर नहीं होते हैं जिनके रूट्स अच्छे से नहीं होते हैं वो थोड़ा सा, उनको थोड़ी सी परेशानी होती है निकालने में, लेकिन वो भी निकल जाते हैं। तो चलिए हम इसे ट्रांसप्लांट करते हैं फटाफट। यहाँ पे हम कैनेडुला की दूसरी वैरायटी को ट्रांसप्लांट करेंगे। ये हमने वो 6 थे वो शायद कैनेडुला बॉनबॉन मिक्स, सॉरी ये बॉनबॉन मिक्स है, वो टच ऑफ रेड थी। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे भी ट्रांसप्लांट करेंगे। ये निकल रहा है बिल्कुल, देख सकते हैं इसके जो रूट्स है काफ़ी हेल्दी हैं। तो चलिए फटाफट हम इसे ट्रांसप्लांट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, यहाँ पे हमने इसे ट्रांसप्लांट कर लिया है और हमने इसे 6 अलग वैरायटी वो टच ऑफ रेड की अलग रखी है और ये वैरायटी हमने अलग रखी है। और इसे अब हम पानी डालेंगे इसमें, काफ़ी अच्छे से हमने इसे इसका ध्यान रखा है और काफ़ी हेल्दी है। तो गाइस, आज है 28 नवंबर और देख सकते हैं 28 नवंबर का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ गाइस कि ये किस तरह से है। और ये देखिए, इसमें जो देख सकते हैं आप, इसके जो रूट्स है वो बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी जो लाइनिंग है काफ़ी अच्छी है और ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं इसके जो लीफ है काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं और काफ़ी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। भाई बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह का, यानी कि सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो, सारे मैच्योर होते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे हैं। बहुत खुशी हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो गाइज, आज तारीख है 5 दिसंबर और मैं आपको ये वीडियो 5 दिसंबर का ले रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये काफ़ी हेल्दी और कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। अब ये ट्रांसप्लांट के लायक हो चुके हैं 6 इंच, या फिर 6 इंच में तो नहीं करूँगा मैं 8 इंच के फिर पोट में इसे मैं लगाऊँगा।
और ये ट्रांसप्लांटेशन के समय अब ये लगभग 5 दिन मैं उसे और रखूँगा यहाँ पे। उसके बाद जब इसके रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे तो मैं इसे 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से और उसी मेथड से मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगा। बट वहाँ पे मैं 50% कंपोस्ट लूँगा और 50% मिट्टी, या फिर 50% मिट्टी में भी मैं कुछ और भी वैरायटी मिलाऊँगा। तो गाइस अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो आप हमें इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।